राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स, लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल इसमें क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और स्ट्रिंग में आप एक ऑपरेशन कर सकते हो। कोई भी दो एडजेसेंट कैरेक्टर्स को आप उठा सकते हो, कोई भी दो एडजेसेंट कैरेक्टर को उठा सकते हो, जैसे कि इसमें आप इन दोनों को उठा सकते हो, इन दोनों को उठा सकते हो, इन दोनों को, मतलब बेसिकली आप सब जानती हैं एडजेसेंट क्या होता है, मतलब सटे हुए कैरेक्टर्स को उठा सकते हो और उनको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये एक ऑपरेशन आप कर सकते हो। और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, एक कैरेक्टर इसमें दिया हुआ है आपको, आपको बताना है कि आफ्टर परफॉर्मिंग दैट ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि उस स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ वही कैरेक्टर बचे। इफ इट इज पॉसिबल रिटर्न यस, इफ इट्स नॉट पॉसिबल देन रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ओ सॉरी नो, बस यही काम करना है। तो एक बात बताना दोस्तों, जब भी डिलीशन हो रहा है तो डिलीशन का क्या क्राइटेरिया है, मतलब एक कैरेक्टर को तो आप डिलीट नहीं कर रहे, आप जब भी डिलीट कर रहे हो दो कैरेक्टर को साथ में डिलीट कर रहे हो। तो अगर उसके जो भी कैरेक्टर आपको चाहिए उसके लेफ्ट में इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं और राइट में भी इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो ही ये ऑपरेशन पॉसिबल है। आफ्टर एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन आपको ये जो डिजायर्ड आउटपुट है सिर्फ और सिर्फ वही कैरेक्टर बचे, वो पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। कैसे, मतलब बहुत ही सिंपल है, एक बार कोड सॉरी टेस्ट केसेस पे अगर अपन देखेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं इस कोड पे, सॉरी इस स्ट्रिंग पे। देखिए, आपको डिजायर्ड स्ट्रिंग क्या चाहिए, डिजायर्ड कैरेक्टर क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सी। तो सी के लेफ्ट में आप देख रहे हो दो कैरेक्टर्स है, ये दोनों आपस में जोड़ा बना के गायब हो सकते हैं। इसके राइट में भी इवन कैरेक्टर्स है, दोनों जोड़ा बना के आउट हो सकते हैं, तो यस इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पर आप आउट कराएंगे यस। यहाँ पर आप देखिए बी आपको रखना है, बी यहाँ पर ही है सिर्फ आपका, और इसके लेफ्ट में ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, राइट में भी ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। आप एक जोड़ा बना के आप इसको तो रिमूव कर भी दो, या फिर सी डी को रिमूव कर दो या डी को रिमूव कर दो, उसके बाद आपका स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से बच जाएगा, ए बी सी या ए बी ई। ठीक है, अब आपको इस कैरेक्टर को रखना है और डिलीशन का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि आप दो कैरेक्टर को एक साथ रिमूव कर सकते हो, जो कि यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अगर आप पेयर लोगे तो उसमें बी आ ही जाएगा आपका, देयर इज नो चांस कि आप बी को रखो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से आप कॉन्टेस्ट में देखो, यहाँ पर अगर आप इस टी के लेफ्ट में देखो तो ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इसके राइट में भी ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, दोनों साइड थ्री थ्री हैं, ठीक है, थ्री कैरेक्टर्स लेफ्ट में, थ्री कैरेक्टर्स राइट में, तो इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन ये जो लास्ट वाला टी है, लास्ट वाला टी है, उसके राइट में है जीरो कैरेक्टर्स और लेफ्ट में है छह कैरेक्टर्स, तो छह का तो आप पेयर अप करके डिलीट कर दोगे, नो प्रॉब्लम। पर राइट वाले में कुछ है ही नहीं, तो इधर से आपको डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं। तो यस इट इज पॉसिबल कि आप इसके लेफ्ट में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको पेयर अप करके डिलीट कर दोगे, और राइट में तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ यही कैरेक्टर बचेगा। तो बस यही इतना छोटा सा बात था, और इसी को मैंने कोड इम्प्लीमेंटेशन किया है। मैं अपने कोड से आपको वॉक थ्रू करवा देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेल आई थिंक कि ये कोड को आपको खुद से लिखना चाहिए, अगर आपने समझ लिया अच्छे से। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग और कैरेक्टर दोनों इनपुट ले लिया है, और ये मैंने फ्लैग बना लिया है, और फ्लैग से क्या पता चलेगा मुझे कि अगर मुझे कोई भी डिजायर्ड लेफ्ट और राइट में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गया है, तो मैं फ्लैग को ट्रू कर दूंगा और वहां से ब्रेकआउट कर जाऊंगा। और एंड में अगर मेरा फ्लैग ट्रू हो चुका है, इसका मतलब कोई भी मुझे ऐसा पोजिशन पर मिल चुका है कैरेक्टर जिससे उसके लेफ्ट और राइट दोनों जगह पर इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। अगर नहीं हो पाता है पूरे इटरेशन में फ्लैग ट्रू, तो इसका मतलब कि वी हैवंट मेट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कोई भी कैरेक्टर पे हम जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो हमारे गिवन कैरेक्टर से इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम चेक करेंगे कि उसके लेफ्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं, उसके राइट में कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और फिर चेक करेंगे कि क्या दोनों इवन है। अगर दोनों इवन है देन मेक फ्लैग ट्रू एंड ब्रेकआउट, और बस खत्म। अगर फ्लैग ट्रू हो चुका है देन रिटर्न यस, और अगर ये पूरा लूप चल गया फॉर लूप और आपको कहीं पर भी ये फ्लैग ट्रू नहीं हो पाया, तो आपको यहाँ पर से आउटपुट कराना होगा नो। सो दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, सोशल मीडिया पेजेस से जुड़ सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।